हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के एच डी सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं हम आपके लिए। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड करते हैं, इट मीन्स अगर आप BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस या एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक या उसके बाद अगर हम बात करते हैं MCA की, BTech की, इट मीन जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोर्स होगा, अगर आप किसी से भी रिलेट करते हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप पाइथन बेस्ड वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या वेब डेवलपर है, या AI डेवलपर है, या फिर डेटा एनालिसिस है, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अपडेट क्या होने वाली है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड अपडेट होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अपने AKHD सॉल्यूशन का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखो, AKHD सॉल्यूशन जहाँ से आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते हैं, आप देख ही चुके हैं पहले, तो AKHD सॉल्यूशन, एंड इसको अभी यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एंड देखिएगा, अगर आप आते हैं हमारे वीडियो के पार्ट में, प्लेलिस्ट के पार्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, C++, जावा और काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखो, हम चलते हैं अपने टॉपिक में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट होने वाली है वो होने वाली है मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। इट मीन्स आपने अभी देखा होगा एक मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। देखो, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए जाना है। यहाँ पे देखो, अगर आप modular.com/mojo अगर आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे आप आ जाओगे इंटरनेट में। देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। देखो, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। कब बनी, किसने बनाई और किस चीज़ में यूज़ होगी एंड क्या इनके दावे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आप अगर यूज़ की होगी आपने सी या C++ आपने यूज़ की होगी, उसके बाद आपने जावा भी हो सकता है यहाँ पे यूज़ की हो, एंड उसके बाद आपने पाइथन भी यूज़ की होगी। अगर आप पाइथन से रिलेट हैं तो आपको मोजो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग जैसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर अगर हम बात करते हैं JS की, JS बोले तो JavaScript, ठीक है। इसकी जैसी सेम ये लैंग्वेज हमारी यहाँ पे होने वाली है, मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है। और इन्होंने डायरेक्टली जो कंपेयर किया है, डायरेक्टली जो इन्होंने कहा है, वो पाइथन प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग को टारगेट किया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया है, मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा, आपको बना रहना है वीडियो में, स्किप नहीं करनी वीडियो बिल्कुल भी। तो देखो, मोजो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है। जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अपना कोड करते हो, जैसे कि अगर आप सी में करते हो तो आप लिखते हो .c, या C++ में करते हो .C++ लिखते हो, या .cpp लिखते हो। सेम है, जस्ट पाइथन में लिखते हो तो .py लिखते हो, ठीक है, py यहाँ पे करते हो। बट अगर आप मोजो इसमें आप कोड करोगे तो देखो, उसमें आपको क्या डायरेक्टली यहाँ पे डॉट और यहाँ पे आग है, ये एक आग, यहाँ पे आग उठ रही है ऊपर को, इस तरह का यहाँ पे इमोजी लगाना है, ठीक है। तो देखो, इतने आने से ही मार्केट में इसका इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है, क्योंकि इसने ये थोड़ा सा अलग ही ट्रेंड लेके आ गई है। जहाँ पे हम नॉर्मली या C++ या पाइथन इस तरह से हम यहाँ पे py करके लिखते थे, यहाँ पे देखो इसकी एक्सटेंशन ही बिल्कुल चेंज होने वाली है, ठीक है। इस तरह से, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है मार्केट में। अब देखो दोस्तों, इन्होंने बताया क्या है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इनका इनकी अपील क्या है। देखो, पहले हम अपील के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगा कहाँ से ये लॉन्च हुई है, कब ये लॉन्च हुई, किस कंपनी ने ये बनाई है, उस सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो देखो, डायरेक्टली इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जब नीचे आ जाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दी है। इस टेबल के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है, तो देखो यहाँ पे फर्स्टली इन्होंने जो यहाँ पे टारगेट किया है, किसको किया, पाइथन को किया है। देखो, इन्होंने डायरेक्टली पाइथन को टारगेट किया है, उन्होंने टाइम बताया है यहाँ पे 10:27, ठीक है। एंड आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक है, कोई भी एक कोड है अगर उसके अंदर अगर हमारा 1 सेकेंड का टाइम लगता है, मतलब 1x 1 यूनिट का टाइम लगता है, तो उसके इन्होंने क्या कहा, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सीधे डायरेक्टली, हम इस पे बीच वाले पे कंपेयर नहीं करेंगे, हम नीचे आएंगे। देखो, C++ इन्होंने बताया कि यहाँ पे इतना टाइम लगता है, तो देखो C++ में इतना टाइम लगेगा, क्या यहाँ पे 0.20 सेकेंड लगेंगे, एंड उसकी जो कंपेटिबिलिटी है, उसकी स्पीड है, वो कितनी हो जाती है यहाँ पे 5000 यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, 5000 यूनिट ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड अब देखो, अगर हम बात करते हैं मोजो की, तो इन्होंने यहाँ पे ये जो बहुत बड़ी अपील है इनकी, ये अपील क्या बोलती है कि इसमें जो टाइम लगेगा वो 0.03 टाइम लगेगा, इतने सेकंड टाइम लगने वाला है यहाँ पे। एंड इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम होने वाली है वो कितने होने वाली है, 35,000 यूनिट ऑफ टाइम बढ़ने वाली है। इट मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी स्पीड की बात करूँ, कि बढ़ने का मतलब था कि इतनी कम होने वाली है, मतलब ठीक है, कि अगर कोई एक कोड पाइथन में यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम में जा रहा है, तो देखिएगा उसकी जो इतनी कम हो जाएगी, ये लेस हो जाएगा इतना टाइम यहाँ पे,
मतलब किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने में इतना कम समय लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ये यहाँ पे बताया, तो ये बहुत बड़ा दावा होने वाला है। इवन साथ ही साथ इन्होंने देखो यहाँ पे सी प्लस प्लस को भी टारगेट किया है। दोस्तों आप जानते हो कि सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कम है, 70s के टाइम पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हुई है, बट अभी तक ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है। इनको ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इनकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इतनी फास्ट होती है कि यहाँ पे जावा और पाइथन जैसी की अगर हम बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो देखो ये सब सी प्लस प्लस पे और सी पे बेस्ड है, ठीक है। इनके ऊपर ही ये रैप होके बनी हुई है, तो इनकी एग्जीक्यूशन टाइम कम है, और सी और सी प्लस प्लस की एग्जीक्यूशन टाइम इतनी ज्यादा है कि वो अभी तक यहाँ पे हमारी वो जो है लुप्त नहीं हुई है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि आज के टाइम पर मार्केट में अगर हम बात करें 1000 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है, इतनी मार्केट में लैंग्वेज आ चुकी है, एंड 250 लैंग्वेज ऐसी हैं हमारी मार्केट में अभी एक्टिव हैं, ठीक है, 250। तो उसमें से मेजर लैंग्वेज कौन सी है हमारी, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा और जावास्क्रिप्ट। ये 5 लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज है, इनको सीखने के बाद आप कुछ भी सीख सकते हो। तो इनमें से फर्स्टली जो होती है सी होती है, और उसके बाद सी प्लस प्लस, ठीक है। ये दोनों हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो इनके एग्जीक्यूशन इतनी ज्यादा फास्ट होती है। तो इन्होंने उस लैंग्वेज को भी देखो टारगेट किया है यहाँ पे। इन्होंने ये देखो मोजो लैंग्वेज ने सी और सी प्लस प्लस को भी टारगेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इन्होंने यहाँ पे इसको भी टारगेट किया है कि अगर ये यहाँ पे इतना टाइम ले रही है तो देखो इसका इतना टाइम कम होने वाला है। तो बहुत बड़ी अपील है मोजो, ये मोजो लैंग्वेज की तरफ से। अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं मोजो लैंग्वेज कब आई है, इसकी हम डेट देखेंगे, एंड उसके बाद किसने इसको बनाया वो चीज हम देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, ये 2 मई 2023 को यहाँ पे हमारी ये लॉन्च हुई है, ठीक है। आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 2 मई 2023 को ये लॉन्च हुई है, एंड इसका इसकी अपील क्या है कि आप पाइथन को आप यूज ना करें, आप मोजो लैंग्वेज को यूज करें। जितनी भी पाइथन के अंदर, इन्होंने मेन टारगेट पाइथन को ही किया है, इन्होंने कहा जितनी भी लाइब्रेरी आपको पाइथन के अंदर मिलेगी उससे ज्यादा हम मोजो के अंदर देंगे। इट मीन्स अगर एक तरह से कहें तो दोस्तों, अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या है कि देखो मोजो हमारी सुपरसेट होने वाली है पाइथन की। इट मीन्स अब हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है उसको इन्होंने कहा है कि पाइथन लैंग्वेज बहुत कम यूज होगी। बट मैं दोस्तों आपको बताऊं, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है मार्केट में। कोई भी अगर आती है हमारे पास, कोई भी लैंग्वेज आती है या कुछ भी, देखो कोई कुछ भी चीज अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो अपील काफी होती है, बट कोई भी 110% अपील क्लियर नहीं होती। वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसी अपील करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ भाई मोजो लैंग्वेज आ गई तो पाइथन वालों का करियर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो सबसे अटे मोजो का, ये इनकी अपील है। बट मैं आपसे कहूँ कि अगर आप सीखना भी चाहते हैं, इवन कुछ टाइम के बाद इसका बूम भी आ जाता है, मान लो कि मार्केट इसको पकड़ लेती है, तो पाइथन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाइथन से ही आप इसको पकड़ पाओगे। डायरेक्टली इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप पाइथन सीखी होगी तो आप उसको एकदम पकड़ पाओगे, ठीक है। तो जो पाइथन के लर्नर है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें, वो पाइथन ही सीखते रहे, मोजो पर स्विच होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब टाइम आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, एंड उसके बाद आप स्विच हो जाना, ठीक है। तो ये आपके लिए है जो पाइथन के लर्नर है, ठीक है, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें किसने ये लॉन्च किया, तो देखो ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी कौन सी है, ये मॉड्यूलर करके एक कंपनी है, जो कहाँ की, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, ठीक है। कैलिफोर्निया की एक मॉड्यूलर करके एक कंपनी है, उसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया था, 2 मई 2023 को इसने लॉन्च किया था, ठीक है। अब देखो ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर ओनली 50 एम्प्लॉयज है, ठीक है, ओनली यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, और इसको जो फंडिंग मिली है ओनली अभी यहाँ पे नॉर्मल फंडिंग मिली है यहाँ पे कितने, 30 मिलियन की यहाँ पे इनको फंडिंग मिली हुई है, ठीक है, $30 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे मिली है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, मॉड्यूलर जो हमारी मॉड्यूलर कंपनी है इसके अंदर गूगल ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। काफी अच्छी कंपनी है, इसने अच्छा पकड़ बनाया हुआ है, तो इसने गूगल ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कैलिफोर्निया की। और इसका मेन पर्पज होता क्या है, मेन पर्पज है इसका जो AI डेवलपर होते हैं उनके लिए टूल बनाना, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से जल्दी वो कोड कर सके। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि किसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, आपको यहाँ पे एक फोटो दिख जाएगा, उसके अंदर देखेगा तो ये है, ये क्रिस लैंडर है, इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है। अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूं, देखिएगा टॉप मोस्ट 3 कंपनीज में इन्होंने अब तक वर्क किया हुआ है, जिसके अंदर गूगल भी शामिल है। गूगल के बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ टेस्ला कंपनी में ही वर्क किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने एप्पल कंपनी में वर्क किया है। इवन एप्पल के अंदर जो अभी तक iOS में स्विफ्ट जो हमारी स्विफ्ट लैंग्वेज है वो जो यूज होती है वो भी इन्हीं के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर सी लैंग की बात करें तो वो भी इन्हीं के थ्रू बनाई हुई है, जो इन्होंने iOS के लिए बनाई थी। तो इस तरह से इनकी ये जर्नी है, ठीक है। तो स्टूडेंट काफी कोशिश की है मैंने आपको ओवरव्यू देने की। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे फर्स्ट अपडेट आपके लिए ये थी कि जो पाइथन लर्नर है उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मोजो लैंग्वेज आ गई है तो इसका मतलब आपका करियर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करियर किसी का बेकार नहीं होने वाला है। देखो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, काफी टाइम लगता है उसको पकड़ बनाने में, काफी टाइम लगता है उसको अपनी जड़ मजबूत करने में, एंड अभी कुछ टाइम के बाद इस चीज पे रिसर्च होगी, रिसर्च होने के बाद इसको देखेंगे, इसमें कुछ प्रोजेक्ट बनेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि ये फाइनली क्या है,
ठीक है, क्या इसकी एग्जीक्यूशन टाइम है, क्या ये बेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1000 से प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में चल रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी तो 250 लैंग्वेज हैं जो कुछ टिकी हुई है, पर उनमें से कुछ 5 से 10 लैंग्वेज ऐसी है जो बेसिक ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, उन पर ही ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोजो आ गई तो पाइथन का करियर बेकार हो जाएगा, पाइथन बिल्कुल बेकार नहीं होने वाली है। पाइथन आप पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है देखो उसके लिए सोल्यूशन हमारे पास है, आप आओगे एक एक सोल्यूशन पे तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। पाइथन की बात करते हैं, पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, सी प्लस प्लस जावा ऐसी काफी लैंग्वेज की यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। और अगर आप मोजो ही सीखना चाहते हैं तो देखो मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट पे मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। एंड उसके बाद अगर आपके कमेंट आते हैं कि हाँ सर ये लेक्चर बनाइएगा, तो मैं मोजो का भी लेक्चर यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मोजो का ही पूरा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड AKHD सोल्यूशन को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करनी है देखो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके यूनिवर्सिटी सर्कल में जितना भी है वहाँ आप शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, अगर अप टू डेट रहते हैं आपको तभी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं, क्योंकि IT में अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन सबको भी अपडेट मिलेगी। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।